दिस वीडियो इज पावर्ड बाई बिंजो गेम्स। ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 15 प्लस कैजुअल गेम्स को आप खेल सकते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, क्रिकेट, और आप पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली बेसिस पर क्विजेस भी आप खेल सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ फैंटेसी लीग में 5000 रुपीज़ तक आप पैसे अर्न कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में एक नया फीचर्स ऐड किया गया है जो कि है विंजो सुपरस्टार, और इसके लिंक आप अगर आप सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर पर, तो यहाँ पर टोटल इंस्टॉलेशन जो होगा पर इंस्टॉलेशन के 5 रुपीज़, पर गेम प्ले 2 रुपीज़, और पर एड कैश को आपको 15 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से आप जो भी पैसे अर्न करेंगे आप काफ़ी आसानी से पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करें, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक। तो आज मैं बीटा अपडेट जो कि कल को ही आया है, आज मैं उसका पूरा रिव्यू देने वाला हूं, और यहां पर ये जो अपडेट है आप सिस्टम अपडेट में चेक कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले वीक ये अपडेट सस्पेंड था क्योंकि चाइना के अंदर होलीडे था, लेकिन आज मैं पूरा का पूरा 9.6.13 का रिव्यू देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स के बारे में भी बता दूंगा। तो जो भी आप चेंज लॉग पर देख सकते हैं वो सारे फीचर्स को मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन के अंदर आपको डेटा के अंदर आप अगर सिम को स्विच करना है, सिम 1 सिम 2, तो आप डायरेक्टली आप यहीं से स्विच कर सकते हैं, आपको सिम सेटिंग में जाने कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा सेटिंग्स में आपको क्विक रिप्लाइज का आपको मैसेजिंग के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको सर्च करना होगा क्विक रिप्लाइज, और जिस भी एप्लीकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन के अंदर आपको ऑन करना है, यहां से आप जाकर क्विक रिप्लाइज को आप ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सभी एप्लीकेशन के लिए यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है। यहां से आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये भी एक कमाल का फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। गेम स्पीड बूस्टर के अंदर आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था जिसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे एड्स भी आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या चेंजेस आपको किया गया है, और इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाया है, तो आप काफ़ी आसानी से जाकर देख सकते हैं कि आपको गेम टर्बो बूस्टर के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गेम स्पीड बूस्टर के अंदर कंटिन्यूअस स्वैपिंग ओपन्स एंड एडिशनल मेनू इन गेम टर्बो नाउ का ऑप्शन आपको अभी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गेम स्पीड बूस्टर के अंदर ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पर किया गया है इम्प्रूव डिस्प्ले ऑप्शन फॉर लैंडस्केप ऑप्शन। तो यहाँ पर इस बार लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो था इसके अंदर भी सुधार किया गया है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने पहले से भी वीडियो बनाया हुआ है। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं गेम टर्बो बूस्टर के अंदर, जिसे हम लोग गेम स्पीड बूस्टर भी बोलते हैं। इसके अलावा यहां पर मी क्लाउड के अंदर कुछ सिंक जो था वो बटन डिड नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड का ऑप्शन था, जिसे यहां पर फिक्स कर दिया। इसके अलावा फिक्सेस एक और किया गया है जो कि है मी क्लाउड सर्विस स्टॉप वर्किंग व्हेन द यूजर्स साइंड आउट फॉर द मी अकाउंट, तो इसे भी यहां पर फिक्स कर दिया गया है। तो यही ऑप्शन आपको यहां पर जो कि लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, गेम स्पीड बूस्टर और मी क्लाउड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है इंप्रूव्ड करके इस अपडेट में 13 के अंदर। और इसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बीटा के अंदर यहां पर अभी भी 4K का ऑप्शन नहीं मिलेगा और ना ही आपको मिलने वाला है। तो FHD 1080 FPS और 60 FPS का ऑप्शन अभी आपको देखने को मिल जाता है, और कैमरा क्वालिटी आपको सेम और इमेज प्रोसेसिंग टाइम भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। इसके बाद मैनुअल कैमरा का सपोर्ट आपको अभी देखने को नहीं मिलता है, यानी कि आप डायरेक्टली GCam यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे कि स्क्रीन ऑन टाइम है, इसे आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और वार्निंग भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर एक नया ऑप्शन मिलता है आपको स्क्रीनशॉट के अंदर, जिसे आपको स्क्रॉल का ऑप्शन मिलता है, आप जितने लंबे चाहें उतने लंबे आप स्क्रीनशॉट यहां पर आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और यहां पर मैं इस तरह से किसी भी स्क्रीनशॉट को अपने हिसाब से यहां पर ले सकता हूं बहुत ही लंबे साइज में। उसके साथ नीचे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, अपने हिसाब से आप
क्रॉप कर सकते हैं जिस भी आपको पोर्शन को आपको ज़रूरत होगा। डूडल्स का ऑप्शन मिलता है और इस हिसाब से आप टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको स्क्रीनशॉट्स के अंदर आपको इस अपडेट के अंदर 9.6.13 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर्स हैं। पहले ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया गया था, तो ये एक न्यू फीचर्स आपको 9.6.13 में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रिसेंट बार्स में आपको सभी कुछ जो भी आपने ओपन किया आपको काफ़ी आसानी से दिख जाता है। इसको अगर आपको ब्लर करना है तो आप काफ़ी आसानी से इसे आप ब्लर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ब्लर करने के लिए आपको ब्लर ऐप प्रीव्यू में जाना होगा, जो कि होम एंड रिसेंट्स में है, और उसके बाद उसको जिस भी एप्लीकेशन को आपको ब्लर करना है आप काफ़ी आसानी से यहां पर आप एक्टिवेट कर दें। आपका जो भी रिसेंट बार्स में जो भी आपके ऑप्शन है, जो भी आपके एप्लीकेशन ओपन हुआ है, वो वहां पर जैसे ही आप ओपन करोगे तो ब्लर दिखेगा। जैसे कि मी थीम को मैंने ब्लर किया, आप देख सकते हैं कि यहां पर मी थीम काफ़ी आसानी से ब्लर होता हुआ दिख जाता है, और इसे आप होम एंड रिसेंट्स में जाके ब्लर ऐप प्रीव्यू में इसे आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और फीचर्स दिखा देता हूं, जैसे कि यहां पर आपको एक एडवांस क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि ये ऑप्शन पहले से भी था, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर इसे रिमूव नहीं किया गया है। तो यहां पर एडवांस सेटिंग में आपको सबसे पहले जाना है और लॉक स्क्रीन के अंदर, और उसके नीचे आपको एडवांस एंड एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और 3 टाइप्स के आपको यहाँ पर क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाता है। अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, तो ये भी कमाल का एक फीचर्स है। साथ ही साथ इस अपडेट के बाद ये फ़ोन काफ़ी स्मूथ हो जाता है, और रही बात फेस अनलॉक की, तो हर अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमोजी आता भी नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर फेस अनलॉक ओपन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डेकोरेट करके आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी में अगर आप जाते हैं तो आपको बैटरी का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको बैटरी सेवर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसे आप यहीं से डायरेक्टली आप मैनेज कर सकते हैं, आपको अब बाहर से मैनेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पावर यूसेज का ऑप्शन फिर से यहां पर ऐड कर दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं पहले यहां पर ये ऑन था लेकिन बीच में इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया था, और आप अब देख सकते हैं पर्टिकुलरली कि आप किस एप्लीकेशन में कितना बैटरी आपका यहां पर खर्च हो रहा है। साथ ही साथ सेटिंग्स में जाकर आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो टोटली सिक्योरिटी के अंदर आपको यहां पर बैटरी का जो लेआउट है वो काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या चेंज लॉग था, क्या छोटे फीचर्स आपको देखने को मिला है इस अपडेट के अंदर, और बहुत सही ये अपडेट है। आप चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, बस बैटरी बैकअप आपको अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसे सही तरीके से यूज़ नहीं किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।